है। सो आप देख सकते हैं कि ये इस तरीके की पैकेज में आता है एंड मैंने ये अमेजोन से बाय किया है। आपको ये फ्लिपकार्ट नायका एम कैबिन की साइट पर ही अवेलेबल है ये। सो अगर आप ये एम कैबिन की साइट से ही बाय करेंगे तो आपको इस पर अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिल जाएगा, बट मैंने ये अमेजोन से बाय किया है तो मुझे इसकी कोई भी डिस्काउंट नहीं मिला है। इसके जो ओरिजिनल प्राइस है वो 575 है। सो मुझे अमेजोन पे इतने ही प्राइस का मिला, बट आप इसे एम कैबिन की साइट से भी बाय कर सकते हैं तो उससे आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और इसकी जो क्वांटिटी है वो 100 ग्राम है, बट प्राइस इसकी मुझे थोड़े से कॉस्टली लगे, 575 में मुझे ये थोड़ा सा कॉस्टली लगा, बट इसकी क्वांटिटी तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। इसकी जो वैलिड डेट है वो 2 ईयर्स तक है, तो आप इसे 2 ईयर्स तक यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपको 5 फ्लेवर्स मिल जाएंगे, सो आप अपने स्किन टाइप के हिसाब से फ्लेवर्स को चूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ नेट एंड ड्रॉ कॉफ़ी फेस मास्क, जो कि मेरे स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ये वाला जो फ्लेवर है ये नॉर्मल टू ऑयली स्किन सभी यूज़ कर सकते हैं, सो इसलिए मैंने ये वाला बाय किया। सो फ्रेंड्स, इसको यूज़ करने से पहले आपने अपने फेस को एक माइल्ड फेस वॉश से क्लीन करना है। उसके बाद आपने अपने फिंगर पे इसे थोड़ा सा लेना है एंड इसकी बहुत पतली पतली लेयर को आपने अपने फेस पे अप्लाई करनी है। इसे आपने अपने पूरे फेस पे अच्छे से अप्लाई करना है, बस इसे आपने अपनी आंखों पे नहीं अप्लाई करना है एंड अपने लिप्स पे नहीं अप्लाई करना है, बाकी आपने इसे अपने पूरे फेस पे अच्छे से अप्लाई करना है एंड इसे ड्राई होने के लिए 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देना है। इस फेस मास्क में छोटे छोटे से स्क्रबिंग बीट्स भी हैं जो कि हमारे स्क्रब का भी काम करेंगे। तो जब आप इसे क्लीन करेंगे तो इसे आपने हल्के हल्के हाथों से अपने फेस पे स्क्रब करना है, हल्के हल्के हाथों से पूरे फेस पे एंड नोज एरिया पे भी रब करना है, जिससे कि हमारे जितने भी ब्लैकहेड्स एंड व्हाइट हेड्स हैं वो भी रिमूव हो जाएंगे इस फेस मास्क से। सो ये चीज़ मुझे इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। टू टाइप से काम कर रहा है, स्क्रबिंग का भी काम कर रहा है एंड फेस मास्क का भी ये काम कर रहा है, और ये पूरी तरह से ड्राई नहीं होता है। सो आप ये एक्सपेक्ट मत करें कि ये पूरी तरीके से 15 से 20 मिनट के बाद ही ये पूरी तरीके से ड्राई हो जाएगा। सो आपको ये हल्का सा भी ड्राई लगेगा और फिर इसे आपने वॉश कर लेना है एंड अपने फेस को क्लीन कर लेना है। तो गाइस, जब मैंने ये अपने फेस पे अप्लाई किया एंड 15 से 20 मिनट के बाद मैंने इसे अपने फेस से क्लीन कर लिया, सो मुझे इसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिला। आई मीन ये हमारे फेस में नेचुरल मॉइस्चर को हटाए बिना हमारी स्किन में जितने भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो सभी को रिड्यूस कर लेता है एंड ये हमारे स्क्रब का भी काम करता है। सो मेरे ब्लैकहेड्स एंड व्हाइट हेड्स भी इससे बहुत ही हद तक रिमूव हुए हैं एंड काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट स्किन हो गई है मेरी। और इसे मैं 1 मंथ से यूज़ कर रही हूँ, तो 1 मंथ में मैं इसे हफ्ते में 2 बार तो यूज़ करती ही हूँ। सो इसने मेरे फेस को काफ़ी ज़्यादा स्मूथ भी किया है। इसमें प्योर कॉफ़ी होती है जो कि हमारे स्किन को एक्सफोलिएट करती है, हमारे स्किन में सेल्यूलाइट को कम करती है। इसमें कैफीन होता है जो कि हमारी स्किन में जितनी भी स्वेलिंग है वो कम करती है एंड हमारी आईज़ के नीचे जितनी भी पफिंग आ जाती है वो भी हमारी स्किन से ये रिड्यूस करती है। इसमें ऑर्गन ऑयल है जो कि हमारी स्किन को हाइड्रेट करता है, साथ ही में हमारी स्किन को एक अच्छा ग्लो भी प्रोवाइड करता है। और इसमें है विटामिन ई जो कि हमारी स्किन को सॉफ्ट करता है एंड हमारी स्किन को बहुत ही ज़्यादा पोषण भी देता है। सो गाइज, ये सारी चीज़ें इसमें अवेलेबल हैं जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है एंड ये फेस मास्क मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आप भी एक बार जरूर ट्राई करें, थोड़ा सा कॉस्टली ज़रूर है बट इसके बेनिफिट्स काफ़ी हैं। हमारी स्किन को बहुत ही अच्छा सा ये ग्लो प्रोवाइड करता है एंड सॉफ्टनेस प्रोवाइड करता है एंड ये हमारी स्किन को बहुत ही ज़्यादा स्मूथ एंड शाइनी बनाता है। तो मुझे ये फेस मास्क तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा एंड आप भी इसे बाय कर सकते हैं। एक बार ट्राई ज़रूर करके देखिए, काफ़ी अच्छा लगेगा आपको भी, अपनी स्किन में बहुत ही अच्छा सा इफेक्ट देखने को मिलेगा। इसे कंटिन्यू आप हफ्ते में 2 बार तो यूज़ करें ही।